इधर दंतेवाड़ा से खबर आपको बता दें, जहां पर नक्सलियों पर लगातार प्रहार हमारे जवानों का जारी है। सुरक्षा बलों का प्रहार जारी है। पुलिस से मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को यहां पर ढेर कर दिया गया। जवानों ने यहां महिला नक्सली का शव भी बरामद कर लिया है और तो और मौके से हथियार और नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। किरंदुल इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। नक्सली की उपस्थिति की आसूचना थी। नक्सलियों में दरभा डिवीजन सचिव डीवीसी जगदीश एवं पश्चिम बस्तर डिवीजन डीवीसी दिनेश और कंपनी नंबर 2 विला की उपस्थिति की आसूचना पर संयुक्त ऑपरेशन तीनों जिला का लॉन्च किया गया। इसमें जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के डीआरजी वर्सल फाइटर की फोर्स, एसटीएफ कोबरा एवं सीआरपीएफ यंग प्लाटून शामिल थी। आज 18 जुलाई को वापसी के दौरान थाना करिंदुल, जिला दंतेवाड़ा थाना करिंदुल अंतर्गत पुरंगेल हीरालगुड़म के जंगल पहाड़ी में नक्सलियों द्वारा एम्बुश लगाया गया और फायरिंग की गई, जिसके पश्चात फोर्स द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के बाद, मुठभेड़ के बाद सर्चिंग जब किया गया तो उसमें एक महिला नक्सली का शव, हथियार एवं अन्य सामग्री बरामद हुई है। फोर्स अभी भी, ऑपरेशन अभी भी जारी है। मृतक से जानकारी जब फोर्स वापस आएगी उसके बाद दी जाएगी। इधर गढ़चिरौली मुठभेड़ के बाद घटनास्थल का वीडियो सामने आया है। नक्सली मुठभेड़ के बाद ग्राउंड जीरो का एक वीडियो सामने आया है। मौके पर अब भी नक्सलियों का सामान मौजूद यहां नजर आता है। देख सकते हैं तस्वीरें, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ये सीमा है और गढ़चिरौली का इलाका जो है ये महाराष्ट्र के हिस्से की तरफ लगता है। बॉर्डर पर कल मुठभेड़ हुई थी और सुरक्षा बलों ने यहां पर 12 नक्सलियों को मार गिराया था। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये वही जगह है, ये वही स्थान है जहां पर ये नक्सली जो हैं अपना ठिकाना बनाकर रह रहे थे और यहां ही मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में हमारे जवानों ने नक्सलियों को ढेर कर दिया। पहले जवानों ने सरेंडर करने के लिए कहा होगा, लेकिन जब जवाब गोली की तरह से आया तो फिर उसी तरीके से जवाब भी दिया गया। देखिए सामग्री, नक्सल सामग्री यहां पर अभी भी मौजूद नजर आ रही है। नक्सलियों का सामान यहां पर, कितना सारा सामान इन्होंने इकट्ठा करके रखा था, इससे आप समझ सकते हैं। इधर रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, दुर्ग से सिम कार्ड के सप्लायर को पुलिस ने धर दबोचा है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी इसी शख्स ने की है। इसका नाम विक्की देवांगन बताया गया, जो कि दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 लाख रुपए बैंक में इसके होल्ड करा दी गए। न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र में इसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। आखिरकार पुलिस इसकी लंबे अरसे से तलाश कर रही थी और पुलिस के हत्थे अब ये चढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की बात कर लें तो इस मामले में आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 4 आरोपियों को 10 दिन के लिए जेल भेजा गया है। ईओडब्ल्यू ने दरअसल आज इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने का काम किया और पेशी होने के बाद पुलिस रिमांड खत्म हुई थी, इसके बाद इनको पेश किया गया था। मामला नकली होलोग्राम से जुड़ा हुआ है, जिस मामले में इनको गिरफ्तार किया गया। दीपक द्वारी, अमित सिंह, अनुराग द्विवेदी समेत प्रिज्म होलोग्राम कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे को कोर्ट ने जेल भेज दिया। इधर महादेव सट्टा केस की बात कर लेते हैं तो इस मामले में भी आज अपडेट सामने आया, क्योंकि आरोपियों को पेश कर दिया गया एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया। बर्खास्त आरक्षक सहदेव सिंह यादव कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 25 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया है। इधर बलौदाबाजार हिंसा मामले में भी अपडेट सामने आया, यहां पर लगातार कार्रवाई जारी है और बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई थी इसको लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। इस मामले में आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, 2 आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं। कोतवाली थाना इलाके के ही रहने वाले ये दोनों युवक बताए जाते हैं और अब तक इस मामले में 170 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
और वहीं बलौदाबाजार मामले की न्यायिक जांच तेज कर दी गई है। न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष गिरौदपुरी पहुंचे और उन्होंने अमर गुफा के पुजारी से बात की। बता दें कि गिरौदपुरी के अमर गुफा में जैद खाम को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। इसको लेकर यहां हिंसा भी भड़की थी। कलेक्टर और एसपी ऑफिस में आगजनी हुई थी और काफी सामान में तोड़फोड़ कर दी गई थी। और बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव, तीसरा नोटिस उनको जारी किया गया लेकिन वो पुलिस के पास नहीं पहुंचे। उनके बंगले के बाहर भी नोटिस चस्पा हुआ था, एक तस्वीर भी आप देख सकते हैं। पुलिस ने उनसे मामले में पूछताछ करने की कोशिश की है और इसीलिए उनको नोटिस दिया गया। ये भी बता दें कि भड़की हिंसा में भीड़ ने कई सरकारी दफ्तरों में आग लगाई थी और वाहनों में तोड़फोड़ की वारदात भी हुई थी। अंबिकापुर में खाद की कालाबाजारी पर एक्शन हुआ है और प्रशासन की टीम ने कृषि केंद्र पर छापे की कार्रवाई की है। भगवानपुर के नेहरू नगर में छापे की कार्रवाई की गई। ज्यादा रेट पर खाद बेचने की जानकारी मिली थी जिसके बाद यह कार्रवाई। वहीं रायपुर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है ये देखिए आप जरा। यहां के गुंडे बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। कल यहां पर बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की थी, इसके बाद इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया लेकिन आज उन्होंने खुली चुनौती देते हुए युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाला। इधर रायपुर में एक आरोपी ने कानून का मजाक बना दिया। बदमाश ने पुलिस गिरफ्त के दौरान हथकड़ी पहने सोशल मीडिया पर लाइव किया। इस दौरान गाड़ी में दो तीन पुलिसकर्मी भी नजर आए। इसके बाद भी बदमाश बगैर किसी संकोच या डर के मोबाइल चला रहा। उसने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कमेंट में हेलो भी बोला। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। जिस सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव हुआ है वो संजू निहाल नाम के युवक की आईडी है। संजू ने 15 जुलाई को अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दुकानदार पर हमला किया था। पुलिस ने संजू और कुछ साथियों को गिरफ्तार किया था। रायपुर में एक घर पर रेड मारकर पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने एक महिला के साथ चार ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से सेक्स रैकेट की खबर मिली थी जिसके बाद मुजगहन के घर में पुलिस ने रेड मारी और आरोपियों को पकड़ लिया गया। वहीं कोंडागांव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। राजस्व विभाग के क्लर्क का घूस लेते हुए वीडियो सामने आया जिसके बाद कलेक्टर ने आरोपी को सस्पेंड कर दिया। वीडियो में क्लर्क अर्जुन नेताम 500 के कुछ नोट लेते दिख रहा है। वो ये भी कह रहा है कि साहब लोग डिमांड करते हैं इसलिए लेना पड़ता है। एक किसान जमीन का रिकॉर्ड निकालने के लिए फरसगांव तहसील कार्यालय पहुंचा था, इसके लिए क्लर्क ने उससे पैसे मांगे। किसान ने 16 जुलाई को उसे पैसे देते हुए वीडियो भी बना लिया। जांजगीर चांपा में डरा रहा है डायरिया। मैं 7 दिन में 300 से ज्यादा मामले सामने आए। बलौदा ब्लॉक के करमदा गांव में फूड पॉइजनिंग से 96 लोग डायरिया के चपेट में आ गए। पामगढ़ ब्लॉक का कोशिर गांव भी प्रभावित है। कोशिर गांव में 3 दिन का स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। गंदा पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में मरीजों की बढ़ती तादाद पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। वाला कैसे वहाँ के पानी उन्हीं के का हाल ठीक नहीं का? प्रदूषित हवा ऐसे लगा था सर। तो जो है कोई एक जगह के पानी पिए है कि पूरा? वही टंकी वाला पानी है। अच्छा, नल जल योजना के जो पानी? हाँ, हाँ। वही वहाँ के पानी तो जतका मतलब पानी पी जती जतका है हॉस्पिटल में आए। कतेक झीन आ गई तुम्हारे यहाँ ले? तो 50 झीन ले कम नहीं हो, 50 घर ले। 3 दिन पहले से कैसा लगता सर? अभी तो आराम उतना हुआ नहीं, पहले से थोड़ा अच्छा है। पहले कैसे लग रहा था? पहले उल्टी और दस्त आ रहा। कब से है शिकायत? एक काल से। कैसे कैसे लग रहा है? उल्टी दस्त लग रही है। पानी कैसे उधर का? पानी पतला है। कवर्धा जिले में डायरिया और मलेरिया का दोनों का साथ में प्रकोप देखने को मिल रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब जाकर अलर्ट हुआ है और घर घर जाकर अब सर्वे करने में लगा हुआ है।
दवाई बांटने के लिए कई टीमें बना दी गई हैं। डायरिया और मलेरिया फैलने से स्वास्थ्य विभाग अब जाग चुका है। के लिए जो है जिस क्षेत्र से हमें शिकायत मिला उस क्षेत्र में लगातार हम लोग निगरानी भी कर रहे हैं और हर गांव का हम लोग सर्वे करवा रहे हैं, जिससे ये पता चले कि जो है वनांचल क्षेत्र में यदि डायरिया है तो कौन सी गांव में है, या कोई भी एक बार या दो बार भी हो उसका जो है इलाज के लिए हम लोग जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसको हम लोग भिजवा रहे हैं और जो घर में ही इलाज करने के लायक उनको घर में ही इलाज। छत्तीसगढ़ में मलेरिया से मौत के मामले में हाईकोर्ट अब जाकर गंभीर हो गया है और हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई भी की है। मुख्य सचिव से स्वास्थ्य सुविधाओं में अव्यवस्था पर हाईकोर्ट की तरफ से अब जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही बिलासपुर में मलेरिया से दो सगे भाइयों की मौत हो गई थी। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में भी मलेरिया का प्रकोप बना हुआ है। इधर मुंगेली के शिवनाथ नदी में जहर घुल रहा है और इस जहर से जलीय जीवों पर गहरा संकट बना हुआ है। मुंगेली से करीब 60 किलोमीटर दूर सरगांव इलाके की शिवनाथ में लाखों मछलियां मरी हुई मिली। कई मवेशी भी नदी का पानी पीने से मौत के मुंह में समा गए। गांव वालों का आरोप है कि वाइन फैक्ट्री से दूषित पानी को नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। शिवनाथ नदी में गहराते इस संकट से कई दर्जन गांव प्रभावित हो रहे हैं। गांव वालों को यह चेतावनी दी गई है कि नदी का पानी इस्तेमाल नहीं किया जाए। एक महीने पहले भी मछलियों की मौत हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर कसूरवार कौन है? क्यों प्रशासन ने अब तक इस मामले में कोई सुध लेने का काम नहीं किया है? प्रमोदपुर घाट में ये शिवनाथ नदी का घाट है, जहां आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जलीय जीव जो है उनकी मौत हुई है। लाखों मछलियां यहां मरी हुई मिली है। इसके साथ साथ जो गाय बछड़े हैं उनकी भी मौत यहाँ के जो दूषित पानी है उसको पीने से हुई है। और ग्रामीणों ने जिस तरह जानकारी दी है बता रहे हैं कि जो वाइन फैक्ट्री का जो प्रदूषित पानी है उसके नदी में मिलने के कारण इस तरह की घटना हो रही है। बोले हैं पानी वानी स्नात नहीं है, तुम्हें नहाना वहाना मत, जाके जानवर को घसने मत देना, बस बोला है। फिर ये भी कुछ रोकथाम तो नहीं किए हैं अभी तक के, अभी भी मछली मर रहे हैं। गाय और बछड़े की भी मौत, गाय छोटे छोटे बछड़े और गाय करीब 30-35 मर गए हैं। शिवनाथ नदी से लगा हुआ जो एक वाइन मर्चेंट है, एक शराब फैक्ट्री है, वहाँ का जो दूषित पानी है, केमिकल युक्त पानी है, उसे शिवनाथ नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, जिसके चलते शिवनाथ नदी का जो पानी है वह जहरीला हो गया है। और उसी यही वजह है कि जो यहाँ मछलियाँ हैं, जली जीव है, ये गाय बछड़े हैं, उनकी मौत हो रही है। अब इसके साथ साथ जो ग्रामीण है उनके लिए भी प्रशासन के द्वारा एक चेतावनी जारी की गई है कि नदी का जो पानी है उसे उपयोग न करें। यहाँ पटवारी आया हुआ था और पटवारी ने लोगों को समझाइश दी कि नदी का पानी का उपयोग न करें, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो वाइन फैक्ट्री का जो प्रदूषित पानी है उसे इस शिवनाथ नदी जो कि जीवनदायिनी मानी जाती है उसमें प्रवाहित किया जा रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और मान्यता यह है कि रसोई में बना पहला रोटी जो होती है, बनी पहली रोटी, वो गौ माता को देनी चाहिए। अब इस दिशा में एक स्कूल ने अनोखी पहल की है। उनकी पहल से हजारों गायों को रोटी मिल रही है, आवारा पशुओं को भोजन मिल रहा है। हम गाय को माँ का दर्जा देते हैं। दूधमोही बच्चे को माँ के अलावा गाय का ही दूध दिया जाता है। गाय के दूध और एक माँ के दूध में काफी समानता होती है। यही वजह है कि गाय की पूजा भी की जाती है। गौ माता की सेवा करने से काफी पुण्य मिलता है। यही वजह है कि भारत में कई लोग गौ सेवा करते हैं। अब गौ माता की सेवा के लिए ही रायपुर के एक स्कूल ने अनोखी पहल की है। वीर छत्रपति शिवाजी स्कूल में पिछले एक साल से एक रोटी गाय के लिए मुहिम चलाई जा रही है। पिछले साल से ही हुई है और बढ़ चढ़ कर के बच्चे बहुत अच्छे से हिस्सा ले रहे हैं। उनको भी बहुत एक्साइटमेंट हुई कि जब हमने ये स्टार्ट किया तो जो पशुओं के लिए एक सहानुभूति रहती है वो उनमें जागृत हुई और इसी के लिए वो डेली लेके आते हैं गाय की रोटी। पिछले साल 31 सितंबर को इस मुहिम की शुरुआत की गई थी। इसमें स्कूल के पहली से बारहवीं के बच्चों को अपने टिफिन बॉक्स में एक एक्स्ट्रा रोटी लाने को कहा गया था। ये एक्स्ट्रा रोटी गाय के लिए है। स्कूल के बच्चों द्वारा दी गई रोटियों को गौशाला में दान किया जाता है या सड़कों पर घूमती गौ माता को खिलाया जाता है। बच्चे भी बड़े चाव से इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं।
वो हर दिन गौमाता के लिए एक एक्स्ट्रा रोटी लेकर आते हैं। एक रोटी लेकर आते हैं और घर वालों का भी सपोर्ट है, उनका भी ये मानना है कि ये एक पुण्य का काम है, ये एक अच्छी बात लगता है हमें। हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल, हमारे डायरेक्टर सर, उनके साथ साथ हम लोगों ने सिखाया कि गौ माता की, पशु पक्षियों की सेवा कैसे करें। हमारे गाय के लिए रोटी लाते हैं जब, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ गाय की पूजा भी करती जाती है। उनके मन में ये भावना नहीं रहती कि वो स्टील के डिब्बे में रोटी डाल रहे हैं, उन्हें सिखाया गया है कि ये डिब्बा गाय का मुंह है, उसमें ही वो रोटी डाल रहे हैं। एक साल से बच्चे हर दिन टिफिन में एक एक्स्ट्रा रोटी लाते हैं और बड़े उत्साह से उसे गौ माता के लिए दान कर देते हैं। इस मुहिम को बाकी के स्कूलों में भी शुरू करने का प्लान था, लेकिन अभी सिर्फ इसी स्कूल में ये साल भर से चल रहा है। भारत में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है और माना जाता है कि गौ माता की सेवा करने से पुण्य मिलता है, और इसी कड़ी में गौ माता की सेवा को लेकर राजधानी रायपुर के एक स्कूल में खास पहल जो है वो की गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के छत्रपति शिवाजी स्कूल की, जहाँ पर एक रोटी गाय के लिए ये मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। बस्तर में बारिश हो रही है और लोगों को गर्मी से इससे राहत मिली है। बदरा जमकर बरसे हैं और जल भराव भी हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। और आइए अब नजर डालते हैं।